नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बीते दिनों व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डाउन होने की खबर चर्चा में रही थी। इसके बाद से अब सोशल मीडिया पर एक मैसेज जमकर किया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस मैसेजिंग एप्लीकेशन का उपयोग हर रात 11:30 से सुबह 6 बजे तक बंद करेगी। मतलब व्हाट्सएप रात 11:30 बजे से और सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। इस संदेश में लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो दूसरे लोगों तक ये न्यूज शेयर करें, वरना उनके अकाउंट को 48 घंटों के भीतर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जी हाँ, एक लंबा चौड़ा मैसेज वायरल है कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि व्हाट्सएप रोज रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। पीएम मोदी का मैसेज है कि व्हाट्सएप मैसेंजर पर हमारे यूजर्स के नामों का अधिक उपयोग हुआ है। हम सभी यूजर से अनुरोध करते हैं कि वो इस मैसेज को अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सभी को भेजें। अगर आप ये आगे फॉरवर्ड नहीं करते तो हम समझेंगे कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है, इसलिए इस अकाउंट को अगले 48 घंटों में डिलीट कर दिया जाएगा। इसे दोबारा चालू करना चाहेंगे तो इसके लिए 500 रुपये देने होंगे। इससे हम देखेंगे कि आप एक फ्रिक्वेंट यूजर हैं और आपका लोगो नीले रंग का हो जाएगा और ये फ्री रहेगा। वहीं हम आपको बता दें कि क्या है पूरी सच्चाई। दरअसल व्हाट्सएप ने या भारत सरकार ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, ना ही पीएम मोदी व्हाट्सएप पर यूजर से पैसा वसूल रहे हैं। व्हाट्सएप के स्पोर्ट्स पर्सन ने कहा कि इस वायरल मैसेज का एक अफवाह है। इसके अलावा व्हाट्सएप द्वारा अपने ब्लॉग पर बदलाव की घोषणा हमेशा की जाती है और इस तरह की कोई भी चेतावनी या संदेश व्हाट्सएप द्वारा जारी नहीं किया गया था। इस साल फरवरी महीने की शुरुआत में व्हाट्सएप के नाम पर एक दूसरा झूठा संदेश वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार और ISI हैकर्स व्हाट्सएप की प्रोफाइल तस्वीरों को गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल पड़ताल में साफ है कि केंद्र सरकार व्हाट्सएप बंद करने या यूजर से पैसा वसूलने की कोई स्कीम लागू नहीं कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल दावा फर्जी है और पूरी तरीके से झूठा है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।